कोरोना वायरस को लेकर देश भर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच मीटिंग हुई। किन बातों पर चर्चा हुई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के हालातों पर समीक्षा बैठक की। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब दिल्ली में करीब 39,000 कोरोना केस हो गए हैं। मरने वालों की संख्या भी 1200 से ऊपर जा चुकी है। करीब 1 घंटे 20 मिनट चली मुलाकात में फोकस दिल्ली में कोरोना को रोकने, टेस्टिंग बेहतर करने, अस्पतालों में बेड सुनिश्चित करने और बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा। दिल्ली को फौरन 500 रेलवे आइसोलेशन कोच दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। मीटिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन शामिल हुए। आइए आपको बताते हैं मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई। नंबर 1, घर घर जाकर हर एक का होगा हेल्थ सर्वे। मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को दिए जाने का फैसला लिया। इससे दिल्ली में 8,000 बेड भर जाएंगे। ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी। नंबर 2, टेस्टिंग 6 गुना करने की तैयारी। शाह ने कहा, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए एम्स में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। इसका हेल्पलाइन नंबर कल जारी हो जाएगा। नंबर 3, अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी होंगी। सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार का इंतजार कम हो जाएगा। सरकार ने स्कॉट गाइड, NCC, NSS, ओश्र बाकी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलेंटियर के नाते जोड़ने का फैसला किया है। नंबर 4, दिल्ली को केंद्र ने दिए 5 और ऑफिसर। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने और इससे मजबूती से लड़ने के लिए भारत सरकार के 5 और वरिष्ठ अधिकारी देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आश्वासन मिला है। चलिए आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा। दिल्ली सरकार ने सारे अस्पतालों में COVID-19 के इलाज की व्यवस्था करने की मांग रखी है। अगले हफ्ते तक 20,000 एक्स्ट्रा बेड तैयार करने का टारगेट है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैंपिंग लगाने की भी डिमांड रखी गई है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार ने कहा कि बाकी बीमारियों की तरह इसका भी टेस्ट हो और आसानी से रिपोर्ट मिले, प्राइवेट लैब्स में जांच की कीमत कम की जाए। दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए भी एक कमेटी बनाना चाहती है।